ग्वालियर पुलिस के ईओडब्ल्यू को एक घोटाले के मामले में ग्वालियर नगर निगम के कमिश्नर अनय द्विवेदी के खिलाफ नोटिस जारी करना महंगा पड़ गया। नोटिस जारी होने के बाद निगम के एक डंपर ने ईओडब्ल्यू के ऑफिस के मेन गेट पर कचरे का डंपर पलट दिया। कचरे की वजह से ईओडब्ल्यू ऑफिस का गेट पूरी तरह से बंद हो गया। ईओडब्ल्यू में नगर निगम के संपत्ति कर घोटाले के एक मामले की जांच चल रही है। इसी को लेकर ईओडब्ल्यू के एसपी ने निगम कमिश्नर से जानकारी मांगी थी। सीमी आतंकी सफदर नागौरी उसके 9 साथियों से इंदौर की विशेष अदालत ने 334 सवाल किए हैं। हालांकि आतंकियों ने थकान और भूखे होने के कारण बयान देने से इनकार कर दिया। अब इन आतंकियों की पेशी कल होगी, जिसके बाद 27 फरवरी को फैसला सुनाया जाएगा। सफदर नागौरी और उसके साथियों को 2008 में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के एक स्कूल में 38 बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। दरअसल बड़गांव के इस प्राइवेट स्कूल में जंगली पौधे की फली की वजह से बच्चों को खुजली होने लगी। बच्चों के शरीर पर दाने भी निकल आए, जिसके बाद स्कूल में हड़कंप मच गया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक युवक ने डीएम ऑफिस परिसर में बने कर्मचारी क्वार्टर में फांसी लगा ली। 24 साल के फूलचंद बेगा की जेब से पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में शहडोल के रहने वाले फूलचंद ने लिखा है कि वो अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहा है। फूलचंद की पत्नी डीएम ऑफिस में कर्मचारी है। हाथियों की दुर्दशा को लेकर इंदौर की विनायक एनिमल बर्ड एंड डेवलपमेंट सिविल एसोसिएशन ने कोर्ट में एक याचिका दायर की है। एसोसिएशन की मांग है कि हाथियों को सड़क पर सार्वजनिक रूप से घुमाने पर रोक लगनी चाहिए। एसोसिएशन ने जनता से अपील की है कि यदि वो किसी को भी हाथियों को घुमाते देखें तो इसकी सूचना वन विभाग को दे। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से हरी झंडी मिलने के बाद कानून विभाग और वित्त विभाग ने जयपुर सहित 7 जिलों में स्थायी लोक अदालत बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब तक प्रदेश में सिर्फ सभी संभाग मुख्यालयों में ही स्थायी लोक अदालतें कार्य कर रही थी। राजस्थान के उदयपुर में एक युवती ने मनचले की पिटाई कर दी। कॉलेज जाने के दौरान युवक रोजाना ऑटो में युवती के साथ छेड़छाड़ करता था। इससे परेशान होकर युवती ने अपने परिवार वालों से इसकी शिकायत की। गुरुवार को जब युवक ऑटो में बड़गांव पहुंचा, तो युवती ने परिवार वालों के साथ मिलकर मनचले की खूब धुनाई की। बाद में युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। राजस्थान के धौलपुर जिले के सरकारी अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही का खामियाजा एक नवजात बच्चे को भुगतना पड़ा। दरअसल अस्पताल में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। इस दौरान नर्सिंग स्टाफ की गलती से बच्चा गंदे पानी की बाल्टी में गिर गया और उसकी हालत गंभीर हो गई। हादसे की जानकारी होने के बाद बच्चे के परिवार वालों ने अस्पताल में हंगामा किया। महिला के रिश्तेदारों ने नर्सिंग स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उदयपुर के बहुचर्चित रुचिता जैन मर्डर केस के मुख्य आरोपी दिव्य कोठारी को 8 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अदालत ने कोठारी के लिए एक वकील को भी नियुक्त किया है। पुलिस ने कोठारी के खिलाफ अदालत में 141 पेज की चार्जशीट पेश की है। जोधपुर ने आरसीएल क्रिकेट लीग पर कब्जा कर लिया है। गुरुवार को हुए खिताबी मुकाबले में जोधपुर ने उदयपुर को हरा दिया। विजेता टीम को इनाम के तौर पर 21 लाख रुपए मिले। फाइनल मुकाबला देखने के लिए टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन, अभिनेत्री सोहा खान और अभिनेता सुहेल खान भी मौजूद थे।